रॉयल एनफील्ड ने अपनी बुलेट 350 को 2023 में पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। तीन वेरिएंट्स यानी कि तीन मॉडल और पांच कलर ऑप्शन के साथ में आपको अब ये बाइक मिलेगी। पुरानी वाली आपको अब नहीं मिलेगी, वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। क्या क्या इन तीनों ही बाइक्स के अंदर प्राइस डिफरेंसेस हैं, कितना आपको पे करना होगा अगर आप बेस वेरियंट लेते हैं या मिड वेरियंट या टॉप वेरियंट, तो ये है इसका मिड वेरियंट यानी बीच का वेरियंट, जो की पुरानी वाली से आपको सिमिलर देखने को मिलेगा इसका फ्यूल टैंक। बट यहाँ पे मिलिट्री ये है रेड कलर जो की इसका बेस वेरियंट है। इसके अंदर आपको सिर्फ सिंगल चैनल एबीएस और सिंगल डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे ड्रम ब्रेक मिलता है, वो अभी आगे हम बात करेंगे। ये है इसका टॉप वेरिएंट, इसको गोल्ड ब्लैक कहते हैं। मैट फिनिशिंग और ग्लॉसी दोनों के साथ में, ये कॉम्बिनेशन के साथ में ये आपको देखने को मिलता है। क्लासिक से आपको कहीं ना कहीं ये बाइक सिमिलर देखने को मिलेगी, बट काफी सारे चेंजेस हैं वो मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा। पहले आप इसका टैंक देखो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। न्यू डिजाइन न्यू कलर के साथ में कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो बहुत जरूरी थे करने, और वो सभी चेंजेस मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्या टॉप स्पीड है और कितना माइलेज मिल जाता है, क्या प्राइसिंग वगैरह है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इसके बेस वेरिएंट से। ये है इसका रेड कलर, इसके अंदर ब्लैक कलर भी आता है, जो सिर्फ टैंक के ऊपर ब्लैक कलर देखने को मिलेगा, बाकी सारी चीजें सिमिलर मिलेंगी। टैंक के ऊपर जो ये लोगो है ये भी डिफरेंट है, बेस वेरिएंट का अलग है, मिड वेरिएंट का अलग है और टॉप वेरिएंट का अलग है। फ्यूल टैंक आप देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छा कलर लग रहा है, आई कैचिंग लग रहा है। E20 का अपडेट इसके अंदर ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि ये नया मॉडल है तो E20 का अपडेट आना ही है। फ्यूल कैप यहाँ से ओपन होता है, 13 लीटर का फ्यूल टैंक है, यानी कि वही क्लासिक वाला फ्यूल कैपेसिटी आपको इसके अंदर भी सेम देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा अपडेट जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा है वो इसका सीट, न्यू डिजाइन के साथ में सिंगल सीट इसमें मिलने वाली है, रिब्ड पैटर्न के साथ में ये आती है, तो कुशनिंग काफी अच्छी है इसकी। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे भी इससे राइड करोगे तो आपको काफी अच्छा कंफर्ट मिलने वाला है। सिंगल सीट है, स्प्लिट सीट क्लासिक के अंदर आती है, तो ये काफी अच्छी चीज है। पीछे की तरफ देखो, पीछे का जो इसका ग्रैब हैंडल है वो थोड़ा पीछे की तरफ डाउन है, जिसकी वजह से रियर जो पिलियन है, जो पीछे बैठेगा बंदा, उसको काफी अच्छा कंफर्ट मिलेगा। रियर की बात कर लो, क्लासिक वाला लुक आपको मिलेंगे, बट एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करोगे, इसका जो ये रियर टेल लाइट है ना, ये थोड़ी सी लंबी है। क्लासिक में इसमें थोड़ा सा हाफ आता है, छोटा आता है ये चीज, तो इससे भी आप इसको पहचान सकते हो पीछे से। बाकी लाइट सेम है, हैलोजन बल्ब भी आती है, इंडिकेटर भी आपको सेम देखने को मिलेंगे। ये है इसका मडगार्ड जो कि ऊपर की तरफ उठा हुआ है, और यही चीज क्लासिक के अंदर थोड़ा नीचे तक डाउन तक आता है इसका मडगार्ड, इसका ऊपर उठा हुआ है, इससे भी आप पहचान सकते हो। नंबर प्लेट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, सेम लुक्स आते हैं क्लासिक वाले। वे छोटी छोटी चीजें हैं जो आप इसको नोटिस कर सकते हो। रॉयल एनफील्ड का स्टिकर पीछे मिल जाता है। सबसे प्रैक्टिकल चीज है इसका ये हैंडल, इसको आराम से पकड़ के आप डबल स्टैंड पे लगा सकते हो, कोई भी आपको हैवी फील नहीं होती है बाइक। ये है इसका साड़ी गार्ड, और एक चीज ज्यादा देखने को मिलेगी वो है क्रोम का टच, हर जगह आपको मिलेगा। नीचे आपको लेडीज फुटरेस्ट और साइड बॉडी पैनल्स पे आप देखते हो ग्लॉसी ब्लैक का टच, और न्यू लोगो के साथ में अलग ही लुक आता है, तो ये चीज आप नोटिस करना। बेस वेरिएंट में ये वाला लोगो मिलेगा आपको, बट पांच गियर आज भी इसके अंदर आते हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यू जैसे इंजन आया वो आगे बात करेंगे। यहाँ पे आप देखो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ में, नीचे डबल स्टैंड, और ये है क्रोम फिनिशिंग के साथ में इंजन। टॉप वेरिएंट में ब्लैक मिलेगा, यहाँ पे क्रोम मिलेगा, तो ये चीजें भी आपको नोटिस करनी होती है। लेग गार्ड है, ये एसेसरीज का पार्ट है, तो आप कोई सा भी लगवा सकते हो, काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। फ्रंट टायर की बात कर लेते हैं, स्पोक्स व्हील आते हैं और ब्लैक का टच आपको यहाँ पे रिम में मिलेगा, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। और टायर आप देख लो एक बारी, वही क्लासिक वाला है 19 इंच के स्पोक्स व्हील के साथ में, यहाँ से आप एक बार देख भी लो। ये इसका साइज, बट इसके अंदर ट्यूबलेस टायर नहीं है, ट्यूब टायर है, क्योंकि स्पोक्स व्हील है, अलॉय व्हील कंपनी ने बंद कर रखे हैं। ऊपर से आप देख लो, ये इसका मडगार्ड, पूरा लोहे की बाइक है, तो 195 केजी का कर्व वेट आ जाता है। और ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो कि डुअल टोन मारे, नीचे आपको मिलेगा सिल्वर, ऊपर मिलेगा ब्लैक कलर। और अब हेड की बात कर लेते हैं, इसका जो हेड है क्लासिक से थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो डिफरेंशिएट कर पाओगे। इसको जो राउंड शेप में डिजाइन किया है, थोड़ा सा अलग तरीके से किया है, जो कि स्टैंडर्ड वाला लुक आए। एक हाइलोजन बल्ब भी इसके अंदर आता है मल्टी रिफ्लेक्टर के साथ में, बट इसकी जो विजिबिलिटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है पहले से। पहले काफी ज्यादा आउटडेटेड बल्ब मिलता था, यहाँ पे आपको क्रोम का टच भी मिलेगा जो थोड़ा सा वाइडर है देन क्लासिक से अगर कंपेयर करते हैं तो। और ये है इसका पायलट लैंप जो कि आज भी वही पुराना वाला है, इंडिकेटर्स भी आपको वही सेम मिलेंगे। नीचे आप देख लो कितना क्रोम का टच इसके अंदर मिलने वाला है, जिसे क्लासिक के बेस वेरियंट में मिलता है, सभी वेरियंट्स में इसके अंदर भी वही क्रोम का टच मिलता है इंजन के ऊपर या साइलेंसर के ऊपर, सब जगह। इंजन आप देख लो वही जे सीरीज का 349cc एयर एंड ऑयल कूल मिलने वाला है, जिसकी टॉप स्पीड 125 जाती है, और पूरा एग्जॉस्ट पीछे तक आपको क्रोम के टच में ही मिलेगा। फ्रंट का डिस्क ब्रेक 300mm का है, ABS के साथ में बाइपर कैलिपर्स हैं, C8 के टायर इसके अंदर मिल रहे हैं, ट्यूबलेस नहीं मिलेंगे, ट्यूब टायर मिलेंगे, 170mm की ग्राउंड क्लियरेंस। ये है इसका रियर ब्रेक और ये फ्रंट फुट रेस्ट, ये सब चीजें आपको स्टैंडर्ड मिलने वाली है। पीछे आपको ड्रम ब्रेक में आपको एक बार दिखा देता हूं, तो क्योंकि ये सिंगल चैनल ABS के साथ में आता है, सिंगल डिस्क ब्रेक आता है, तो पीछे आपको ये ड्रम ब्रेक ही मिलेंगे। बेस वेरिएंट के अंदर 27,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके आप मिड वेरिएंट ले सकते हो, या आप टायर साइज पहले एक बार देख लो, C8 के टायर आपको
आपको पीछे भी मिलने वाला है। तो 120 सेक्शन का टायर इसके अंदर आएगा, जैसे कि मैं आपको साइज दिखा देता हूँ, ये देखो 18 इंच के स्पोक्स व्हील। अगर 27,000 रुपए आपके पास ज्यादा है तो आप बिट वेरिएंट की तरफ जा सकते हो, अदरवाइज आप ये 1,98,000 यानी 1,98,000 रुपीज में ले सकते हो। ये इसका स्विचेस राउंड शेप यानी गोल टाइप के मिलेंगे, जो पहले आते थे वो नहीं मिलेंगे। आप पूरी तरीके से चेंज हो चुका है इसका मीटर कंसोल भी और स्विचेस भी, हैंडल भी। न्यू चेंजेस के साथ में न्यू रीडिजाइन किया है, तो सारी चीजें चेंज की है। पूरा क्लासिक से इसको पार्ट शेयरिंग आप कह सकते हो एक तरह से। कुछ छोटे मोटे चेंजेस जो मैंने आपको बताए वो आपको मिलेंगे इसके अंदर। आपको एक कलर और मिलेगा जो सिर्फ टैंक का जो ब्लैक कलर हो जाएगा, बाकी पूरी बाइक सेम रहेगी। ये है इसका मिड वेरिएंट। सबसे पहले आप इसका लुक देखो, पुराना 90 सालों चला आ रहा है जो आइकॉनिक डिजाइन है वो इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इसके अंदर डुअल डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल ABS मिलेंगे और साथ साथ क्या क्या चेंजेस है वो आगे बताऊंगा। 27,000 रुपए जब आप इसमें पे करते हो तो क्रोम के टच के साथ में रिम मिलेगा। आगे बेस वेरिएंट में आपको ब्लैक मिल रहा था, स्पोक्स व्हील ही आ रहे हैं सेम, ट्यूबलेस टायर नहीं आ रहे हैं। क्रोम का टच इसके अंदर भी आपको सेम देखने को मिलेगा। किक नहीं आ रही है स्टैंडर्ड ब्लड 350 के अंदर, क्योंकि जे सीरीज का न्यू इंजन है क्लासिक वाला, मेटियोर वाला, हंटर वाला, जिसकी वजह से इसके अंदर से भी किक हटा दी गई है। तो ये चीजें इसके अंदर चेंजेस हैं। साइलेंसर देख लो, क्रोम के टच के साथ में छोटा सा साइलेंसर मिलता है, काफी लंबा आता था पहले। साइड बॉडी पैनल पे न्यू लोगो, न्यू डिजाइन और न्यू कलर के साथ में। ये मेटल का है बट बेस वेरिएंट में प्लास्टिक का मिल रहा है, जो कि ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, बट ये ज्यादा अच्छा लग रहा है पर्सनली अगर मैं बताऊं तो, क्योंकि आइकॉनिक डिजाइन बहुत पुराना है, 90 सालों से चली आ रही है ये बाइक। टैंक के ऊपर भी आपको मेटल का मिलेगा बट वहाँ पे प्लास्टिक का मिलेगा बेस वेरिएंट में। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको जो आइकॉनिक लाइंस मिलने वाली है, ये लाइंस सिर्फ आपको इसी वेरिएंट के अंदर मिलती है, यानी कि मिड वेरिएंट के अंदर। टॉप में जाओगे तो उसमें भी आपको गोल्ड की मिलेगी, बट ये वाला फील ओल्ड स्कूल आइकॉनिक डिजाइन का जो फील है वो सिर्फ इसी वेरिएंट के अंदर आएगा। बेस के अंदर भी आपको सिंपल टैंक मिलेगा। E20 का अपडेट आ चुका है तो आप इसको इन फ्यूचर E20 अपडेट के साथ भी चला सकते हो, जब कभी भी वो पेट्रोल अवेलेबल होगा इन फ्यूचर। अभी आप नॉर्मल पेट्रोल से भी चलाओगे कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका मीटर कंसोल जो कि क्लासिक से पूरा इंस्पायर है, आप कह सकते हो क्लासिक वाला ही है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, वही डिजिटल मीटर और एनालॉग मीटर आपको मिलेगा। ट्रिपल नेविगेशन का भी सपोर्ट है इसके अंदर, आप चाहो तो अलग से लगवा सकते हो। 5,000 रुपीज का अलग से पे है। की मैं आपको दिखा देता हूँ, वेव टाइप की मिलेगी, वही क्लासिक वाली सेम। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, तो एज इट इज आपको ये क्लासिक वाला लुक तो देगी। फ्रंट से नीचे लगाने का पहला ऑप्शन आता था, की पहले नीचे से ऑन करो, लॉक लगाओ, ये सब चीजें, आप ऐसा कुछ नहीं है। हैंडल पे भी आपको वही सेम स्विचेस मिलेंगे जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। सीट भी आपको वही सेम मिलेगी जो बेस में मिल रही है, और साथ ही टॉप मॉडल में भी यही सीट आपको मिलने वाली है। ग्रैब हैंडल भी इसका वही मिलेगा जो टॉप वेरिएंट में या बेस वेरिएंट में मिल रहा है। रियर प्रोफाइल भी सेम है, मड गार्ड वही ऊपर को उठा हुआ है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो इसका मड गार्ड का शेप है ना, ये थोड़ा सा स्क्वायरी शेप में है, क्लासिक में ये राउंड शेप में आता है, तो ये भी चेंज है थोड़ा सा। इसको भी देख के आप पता लगा सकते हैं के बुलेट 350 अगर आप पीछे देख रहे हो, पीछे भी क्रोम मिलने वाला है आपको और डुअल डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल ABS, जिसके लिए आप 27,000 रुपए पे कर रहे हो बेस वेरिएंट से लेके मिड वेरिएंट तक। पीछे आपको देखो बेस वेरिएंट के अंदर ड्रम ब्रेक मिलने हैं, बट इसके अंदर डुअल डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल ABS मिलने वाला है, और साथ ही साथ टैंक के ऊपर आइकॉनिक डिजाइन मिलने वाला है। और चेंजेस भी आपको तीनों ही बाइक्स में वही क्लासिक मैटी और हंटर वाली मिलेगी, डुअल क्रेडल फ्रेम वाली, जिसकी वजह से काफी कम वाइब्रेशन मिलती है। 170mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ इस बाइक की 805mm सीट हाइट है, यानी कि आप अगर 5.5 फीट से ज्यादा हो तो आप इस बाइक को आराम से राइड कर पाओगे। कर्व वेट की बात करूं तो 195kg कर्व वेट मिलेगा। बेस वेरिएंट ले लो, टॉप वेरिएंट ले लो या मिड वेरिएंट ले लो, 27,000 रुपए इन दोनों के बीच में डिफरेंस है प्राइस का। 2,25,000 रुपए आपको मिड वेरिएंट के पे करने होते हैं। ये है टॉप वेरिएंट। इसके अंदर आप देखो, अब ये जो कलर दिया है कंपनी ने इसके अंदर ग्लॉसी और मैट फिनिशिंग के साथ में, ये क्लासिक से कहीं ना कहीं इंस्पायर है। क्लासिक के अंदर वो काफी ज्यादा बिकता है मैट ब्लैक कलर, तो आपको ये बुलेट 350 के अंदर भी मैट फिनिशिंग मिल जाएगी। साइड बॉडी पैनल्स के ऊपर देख सकते हो ग्लॉसी का टच, और यहाँ पे आउटलाइनिंग जो मिल रही है बहुत अच्छी लग रही है। सिर्फ ये पार्ट आपको ग्लॉसी ब्लैक मिलेगा, बाकी सारी चीजें मैट फिनिशिंग के साथ ही आपको मिलेगी इस बाइक के अंदर। इस बाइक के जो प्राइसिंग है वो 25,000 रुपए नहीं 20,000 रुपए ज्यादा है मिड वेरिएंट से। और ये जो लाइनिंग है ना इसकी गोल्ड कलर की काफी अच्छी लगती है। 20 का अपडेट कैप यहाँ पे आप देख सकते हो मिल जाता है आपको, और इसके अंदर भी 13 लीटर का फ्यूल टैंक है। 30 से 35 का एवरेज आप इससे आराम से ले सकते हो अगर आप सही से चलाते हो तो इकोनॉमी मोड में। अब आ जाते हैं इसके हैंडल बार पे, तो रोटेटेड टाइप के स्विचेस वही मिलेंगे तीनों ही बाइक्स में जो कि सेम आ रहे हैं क्लासिक वाले। यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, जब आपको मैंने स्टार्ट करके साउंड सुना देता हूँ, पहली वाली का तो पता नहीं, बट क्लासिक से तो इसका डेफिनेटली साउंड ज्यादा है। डुक डुक इसके अंदर ज्यादा आवाज आप फील कर सकते हो। फ्रंट आप एक बार इसको देख लो। अब इसके अंदर फ्रंट में एक एडिशनल चीज मिल जाती है, वो इसका सैल्यूट कैप। ये आपको उन दोनों वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड मिलेगा। हैजार्ड का ऑप्शन तीनों ही बाइक्स में मिलेगा, और फ्रंट का लुक कुछ इस तरह से आता है।
हैलोजन बल्ब भी मिलता है और फ्रंट में मडगार्ड फुली मेटल का और मैट फिनिशिंग के साथ में, कोई भी ग्लॉसी नहीं है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, ऊपर ब्लैक और नीचे सिल्वर का टच। ये क्लासी में अगर आप देखोगे तो पूरा आपको ब्लैक मिलेगा जो उसका मैट कलर आता है। 300mm का बड़ा डिस्क ब्रेक है और यहाँ पे आपको ब्लैक टच मिलेगा जैसे कि बेस वेरिएंट में मिलता है। और स्पोक्स व्हील ही आ रहे हैं, अलॉय व्हील्स नहीं है, ट्यूबलेस टायर नहीं है, इसके अंदर भी ट्यूब टायर ही मिलेंगे। टॉप वेरिएंट है, उसके बाद भी बाइबर के कैलिपर्स हैं तो ब्रेकिंग काफी अच्छी है। डुअल क्रेडल फ्रेम है जैसे कि सभी वेरिएंट्स में आ रहे हैं, तो इसके अंदर भी डुअल क्रेडल फ्रेम है। बट एक चीज़ है जो इसका इंजन है वो आप मैट फिनिशिंग में देख सकते हो, यहाँ पे क्रोम का टच नहीं है जिसकी वजह से आपको मेंटेन करना काफ़ी इजी हो जाता है। इसकी वजह से आप 20,000 रुपये ज़्यादा पे करते हो। ये मैट कलर है, बाकी सारी चीज़ें तो सिमिलर ही हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे आपका ऑयल फिल्टर होता है, जब आप सर्विस करवाने जाएंगे तो इसको ओपन करके चेंज करना होता है। यहाँ पे बैटरी होती है और उस साइड आपको एयर फिल्टर में देखने को मिल जाता है साइड बॉडी पैनल्स के अंदर। इसका एग्जॉस्ट देखो कितना प्यारा लग रहा है मैट फिनिशिंग के साथ में, छोटा सा। पहले काफ़ी लंबा एग्जॉस्ट आता था पूरा क्रोम के साथ, आगे डिस्क ब्रेक और पीछे भी डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल एबीएस डुअल डिस्क ब्रेक, तो काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग हो जाती है। उसकी वजह से इसमें आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा यानी कि 2,45,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइसिंग हो जाती है। सीट भी आपको वही सेम मिलेगी, सेम ग्रैब हैंडल मिलेंगे। पीछे की लाइट एक बार देख लो, कुछ इस तरह से लुक आता है। क्लासिक वाली ही लाइट है बट थोड़ी सी बड़ी मिल जाती है इसकी जो लेंथ है उसमें, बाकी साइज राउंड शेप में उतना ही है। ऊपर की साइड उठा हुआ पीछे का मडगार्ड मिल जाता है, यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए स्पेस। अगर नंबर आप चाहो 6,000 रुपये देकर अपना मनपसंद नंबर भी ले सकते हो, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसके अंदर आपको नंबर बुक करना होता है। अब इस साइड से इसको जब देखते हो तो पीछे पूरा प्रॉपर आपको साड़ी गार्ड मिलता है, लेडीज़ के लिए फुटरेस्ट मिलता है। नीचे की साइड में ओपन टाइप का चैन सेट मिलता है, इसको आपको काफ़ी केयर करनी पड़ती है क्योंकि ये ओपन टाइप की चैन सेट है। नॉर्मल डेज में तो चल जाती है बट बारिश वगैरह के मौसम में आपको इसकी केयर करनी पड़ती है। ये लुक कुछ इस तरह से आता है इस बाइक का। नीचे की साइड देखो, गियर रिवर भी ब्लैक दे रखा है, साइड स्टैंड भी ब्लैक दे रखा है, इसकी वजह से इसके प्राइसिंग जो है ज़्यादा बढ़ जाती है 20,000 रुपये मिड वेरियंट से। इंजन के ऊपर पूरा ब्लैक मैट फिनिशिंग मिलेगा आपको, बट स्पेशली मुझे इसका टैंक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका जो लोगो रीडिज़ाइन किया है रॉयल एनफील्ड ने, बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, उसके लिए थम्स अप है रॉयल एनफील्ड को। बट आपको कौन सी बाइक पसंद है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इसके प्राइसिंग है 2,45,000 रुपये, मीटर कंसोल में आपको उसका दिखा चुका हूँ सारी चीज़ें, एक बारी मैं क्लोजअप से दिखा देता हूँ। ऊपर ये कुछ इंडिकेटर्स मिल जाएंगे बैटरी का, ABS का और फ्यूल का। नीचे अगर आप बात करोगे इसकी, इसके अंदर फ्यूल गेज मिल जाएगा, ट्रिप ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे ऑडोमीटर मिल जाएगा, आई का बटन, यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। ट्रिप एफ ए, या सबसे पहले टाइम आ जाता है, ऑडोमीटर आ जाएगा, देन आपका ट्रिप आ जाएगी 1, 2, F, जो भी आप एडजस्ट करना चाहते हो उसके हिसाब से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। हैंडल इसका पूरा क्रोम में मिलने वाला है, जो क्लासिक के अंदर स्टेल्थ ब्लैक आती है उसका पूरा मैट फिनिशिंग में मिलता है। लीवर भी उसके मैट फिनिशिंग में मिलते हैं, यहाँ पे सिल्वर कलर के मिल रहे हैं। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, अभी भी क्रोम का टच है इसके अंदर, मैट फिनिशिंग तो मिल रही है बट ये चीज़ें अभी इसके अंदर हैं जो इन फ्यूचर अपडेट होकर पूरी मैट फिनिशिंग के साथ में हो जाएंगी, जैसे कि क्लासिक के साथ हुआ था। 2,45,000 रुपये इसके प्राइस है, 20,000 रुपये इसको एक्स्ट्रा देने होंगे अगर आप मिड वेरिएंट लेते हैं तो। अगर आप बेस वेरिएंट लेते हैं तो उसका 1,98,000 रुपीज़। ये है क्लासिक का स्टेल्थ ब्लैक कलर, इसके लीवर आप देख लो पूरे ब्लैक हैं, जो कि अभी ये रिसेंटली अपडेट किया था रॉयल एनफील्ड ने, सारे पार्ट्स इसके ऑल ब्लैक कर दिए थे। इसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, वो जाकर आप देख सकते हो। इसके प्राइसिंग है 2,55,000 रुपये और इसके प्राइसिंग है 2,45,000 रुपये ऑन रोड दिल्ली के अंदर। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, शोरूम की कॉन्टैक्ट करके आप पता कर सकते हो, अपनी बाइक बुक कर सकते हो। इसके प्राइसिंग है 2,20,000 रुपये। ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।